हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा। तो चलिए हम पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है पिज़्ज़ा ब्रेड बेस। तो अब मैंने एक प्लेट ले लिया है, प्लेट में हम लगा देंगे मक्खन। घर पे हम आसानी से बना सकते हैं पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे मैंने मक्खन अच्छे से प्लेट में लगा लिया और पिज़्ज़ा बेस हमने इसके ऊपर रख दिया प्लेट के। और अब इसमें हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस, एक टेबल स्पून हमने लिया है पिज़्ज़ा सॉस, एक टेबल स्पून हमने लिया है सेजवान सॉस और केचप, एक टेबल स्पून हमने डाला है केचप। अब तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम पूरे पिज़्ज़ा बेस के ऊपर फैला लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और चारों तरफ अच्छे से हमें लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है। और अब हमने लिया है शिमला मिर्च, हमने बारीक शिमला मिर्च को लंबे लंबे साइज में कट कर लिया था। अब चारों तरफ हम अच्छे से शिमला मिर्च लगा लेंगे। तो फ्रेंड, जब तक हम पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं तब तक हम रख दिए कढ़ाई में नमक डालकर गर्म होने के लिए। जब तक कढ़ाई अच्छे से हीट हो जाएगी, अब हमने टमाटर ले लिया है। इसे हम टमाटर को लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम लगा लेंगे और प्याज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अच्छे से प्याज टमाटर शिमला मिर्च सारी चीज़ों को लगा लिया है। और हमने लिया है मोजरीला चीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसी तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से लगा लेना हर चीज़ों को। और यहाँ पे मैंने मोजरीला चीज लिया है, तो इसे हम अच्छे से भर के मोजरीला चीज इसके ऊपर डाल देंगे। आपको अगर चीज ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, कम पसंद है तो कम डालें। और अच्छे से चीज डालकर हम इसे रखेंगे बेक होने के लिए। और इसके किनारे के साइड में हम क्या करेंगे कि मक्खन लगा लेंगे। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप देसी घी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई हीट हो चुकी है और अब हम बेक होने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हैं, अब इसको हम एक प्लेट से ढककर रख देंगे। तो यहाँ पे बेक हो चुका है, 10 से 15 मिनट के अंदर बेक हो जाता है। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा हम घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिल्ली फ्लेक्स और ऑरेगानो डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया। अब चलिए हम चलते हैं केक काटने के लिए। मुझे 5 रुपए 50 रुपए दिए। ओहो, केक बनाना कैसा है? मम्मी थोड़ा अपना पीछे करो, रिंग लाइट। खाले खाले खाले। तो फ्रेंड, देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमारी बर्थडे पार्टी हो चुकी है और अब हम खाना पीना करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ब्लॉग्स मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग्स।